हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हराया नहीं है, मगर उनका प्रोपोगेशन हमारा हमारे प्रोपोगेशन से ज्यादा है। मतलब उनके हाथ में लाउडस्पीकर है, उनके हाथ में एम्पलीफायर है, उनके हाथ में मशीनरी है। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो हमारी विचारधारा है, इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, मगर ये हमसे बहुत पुरानी है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदु या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती, ये नए नए नाम की क्या जरूरत। और ये जो हमारी विचारधारा है, ये पुरानी है। जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका वो ये एक प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी।